सत्रह श्लोक नंबर 49 से 51। एक क्वेश्चन दीर्घ दीर्घ ससति यस्तु उद्वम न च प्रति ही अति अधः प्रत्याहार अत्यधः श्लेष्मा आवृत मुख स्त्रोता क्रुद्ध गंध वहार्दितः उद्वदुष्ट विपश्य विभ्रांतस्य इतः ततः प्रमुयन वेदनारतः च शुष्कास्य अरति पीडितः ऊर्ध्वश्वासे प्रकुपीते हि अधः श्वास निरुद्यते मूयः तः ताभ्याम च उद्वः श्वासः तस्य एव हन्ति अशूनः इति उद्वश्वासः। अब यहां से श्वास के अन्य प्रकार शुरू होते हैं। ये श्वास के प्रकार जो किए हैं ये अनेकों संप्राप्ति के हैं। ऊर्ध्वश्वास ये श्वास का स्वरूप है। कई व्याधियों में कई श्वास प्रकारों में भिन्न भिन्न संप्राप्तियों के कारण ये ऊर्ध्वश्वास लक्षण उत्पन्न हो सकता है। वो कैसे है वो समझने के पहले इन शब्दों का अर्थ समझेंगे। दीर्घम श्वसिति, दीर्घ काल अर्थ है लंबा। और श्वसिति दीर्घम श्वसिति इसका चक्रपाणि ने दिया हुआ वर्णन बहिर निर्गमनम दीर्घकालम करोति। बहिर निर्गमनम दीर्घकालम करोति। अब दीर्घम श्वसित यस्तु ऊर्ध्वम, न च प्रत्याहरति अधः। दीर्घम श्वसिति का अर्थ समझ गए हैं। बहिर निर्गमनम दीर्घम भवति, श्वास धीरे 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 लंबा छोड़ता है। और ऊर्ध्वम न च प्रत्याहरति अधः। ऊर्ध्वम शब्द दीर्घ श्वसिति का लोगन है, बाहर छोड़ना, इसी को ऊर्ध्वश्वास कहते हैं। और जो अंदर लेना उसको अधश्वास कहते हैं। नच प्रत्याहरति अधः, यहाँ पर न शब्द अल्पवाचक है। न शब्द से दो अर्थ होते हैं, नकारात्मक और अल्पतावाचक। न च प्रति आ हरति अधः। प्रति उपसर्ग है,
आ उपसर्ग है, हरति भ्रू हरति क्रियापद है, यानी श्वास लेना प्रारंभ तो करता है लेकिन अंदर धीरे धीरे लेता है अथवा कम लेता है। नच प्रत्याहारति का अर्थ है कम से कम इंटेक करना, श्वास अंदर लेने में कम लेना, इसी का नाम है नच अधो हरति आहरति। लेता तो है, प्रयास करता है लेकिन अंदर नहीं ले पाता है, ये उसका प्रत्यात्म लक्षण है ऊर्ध्व श्वास का। अब ये अनेकों व्याधियों में उत्पन्न हो सकता है, उसके बाद में देखेंगे। श्लेष्मावृत मुख श्रोता ये श्रोतसों के मुख यानी अंदर का मार्ग, प्रवास का मार्ग, ये श्लेष्मावृत होते हैं। अब यहां श्लेष्मावृत शब्द ये भिन्न भिन्न अर्थ में लेना है। एक द्रव श्लेष्मा, दो घन श्लेष्मा, पिच्छल श्लेष्मा अथवा श्लेष्मादुष्ट धातु, श्लेष्मादुष्ट रस, श्लेष्मादुष्ट रक्त, श्लेष्मादुष्ट मांस, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकृति स्वरूप में इसको लेना है। तो श्लेष्मा कहने का अभिप्राय श्लेष्मादुष्ट रस, श्लेष्मादुष्ट रक्त, श्लेष्मादुष्ट मांस, मेद, लसिका आदि। यानी प्राणवः श्रोतस श्लेष्मा से अवरुत है, इसका दूसरा अर्थ या तो शुद्ध केवल श्लेष्मा से अवरुत है या तो श्लेष्मा यानी द्रव गुणात्मक रस धातु, द्रव गुणात्मक रक्त धातु और मांस धातु, इनके कारण कहीं ना कहीं ग्रंथि या अवरोध या संचय हो रहा है श्लेष्मा का। एक एक उदाहरण बताता हूं मैं। और ये कौन कर रहा है? श्वास की संप्राप्ति में गंधवह अवरुद्ध हुआ है और उसी कारण वो क्रुद्ध हुआ है। गंधवह का अर्थ है वायु, क्रुद्ध का अर्थ है आवरण से कुपित हुआ है। आवरण कहाँ हुआ है? भिन्न भिन्न स्रोतों के प्रवाह में, शरीर में कहीं भी हो सकता है, उसका परिणाम प्राणों में हो गया। प्राण वह अभिभूत हो गया है, अवरोध रसों में है, कहीं तो भी अवरोध रक्तों में है, अवरोध मांसों में है, अवरोध मेदोवह में है, अवरोध लसिका वह में है, और उसका प्रभाव अभिभवन इन्फ्लुएंस उल्टा प्रवास होते विषक पचन करते करते प्राण वह में ये विविध व्याधि करता है। कभी मांसक ग्रंथि करेगा, कभी विद्रधि करेगा, कभी लिम्फेटिक ग्लैंड बढ़ा देगा, कभी रक्त की ग्रंथि बन के रहेगी, कभी रस
रस से शोथ आएगा, कभी लियोरा में जल संचित होगा, कभी पेरिकार्डियम में जल संचित होगा, हृदय के आवरण में, कभी हिमोथोरेक्स होगा, कभी फायोथोरेक्स होगा, कभी निमोथोरेक्स होगा, कभी हाइड्रोनिमोथोरेक्स होगा। अब इतने शब्द का मैंने प्रयोग किया है, इसका एक एक अर्थ बताता हूं। इसका वर्णन सुश्रुत में मर्म स्थान में किया हुआ है, मर्म शरीर में किया हुआ है। कई बार क्या होता है, अंदर प्राणवह में जब अवरोध हो जाता है, शोथ आता है, एक्यूमुलेशन ऑफ गैस हो जाता है, तो उसका परिणाम स्वरूप एल्वोलर रप्चर हो जाता है। एल्वोलर रप्चर हुआ तो लंग कोलैप्स हो जाता है, एक लंग सिकुड़ जाता है। अब क्या हुआ, एक लंग कोलैप्स हो गया, सांस लेने में एक साइड में श्वास आएगा ही नहीं, जो खुला है उसमें आएगा, इसको कहते हैं लंग कोलैप्स। अब ये एल्वोलाई जब रप्चर होता है तब कभी प्लूरा रप्चर हो गया तो ये हवा प्लूरा में आ जाती है, तो उसको कहते हैं न्यूमोथोरैक्स। और इसका परिणाम ये होता है कि पूरे शरीर में शोथ आने लगता है, और ये शोथ स्पॉन्जी होता है। उसी प्रकार कभी कभी ये जो उदक द्रव धातु शरीर में फैले हैं वो प्लूरा में संचित होकर हाइड्रोथोरेक्स करते हैं, और इस हाइड्रोथोरेक्स का परिणाम हो के साथ अल्वोलर रप्चर होकर न्यूमो हाइड्रोथोरेक्स बनता है। दोनों होते हैं, हवा भी आती है और ये भी होता है, फ्लूइड भी होता है। अब प्लूरा में फ्लूइड आ गया, डिमिनिश एयर एंट्री होगी, लंग कोलैप्स हो गया, एयर एंट्री डिमिनिश होगी। अब लिवर में एक्सेस हो गया, पक्व हो गया, उसको निकाला नहीं है, तो वो लंग में साइनस बनाएगा, उस पे दुर्लक्ष हुआ तो वो पस रक्त प्लूरा में आएगा साइनस बनकर, इसको कहते हैं पायोथोरक्स। अथवा लंग में एब्सेस होकर उसका पस भी प्लूरा में आया, प्लस और रक्त उदक, तो उसमें भी फिर ये पायोथोरैक्स बनेगा अथवा हिमोथोरैक्स बनेगा। अब इसमें भी सांस लेने में कष्ट होगा, और ये सब कफदुष्ट है क्योंकि प्रायः उदक में श्रोतोरोध है, होता है, उदक वह रस वह रक्त वह में जो द्रव धातु है, तो इनके द्रवांश ऐसे उल्टी दिशा में आकर प्लूरा में जमा होते हैं, तो ये परिणाम क्या होता है, अल्पम च श्वसति, सांस
नच प्रत्याहरति, नच का अर्थ है अल्पम प्रत्याहरति। यही अवस्था सिरोसिस ऑफ लिवर में होती है, उसमें भी प्लूरा में पानी आता है, कभी कभी वो रक्तवर्ण का होता है। यही अवस्था रीनल फेल्योर में होती है, पानी प्लूरा में आता है। यही अवस्था पांडु जी पांडु में होने वाले शोथ में आते हैं, उसमें भी प्लीरा में पानी आता है, और उसमें भी प्लीरा में पानी आया तो डिमिनिश एयर एंट्री होगी, इसी का नाम है अल्पम नच प्रत्याहरति अधः, अल्पम प्रत्याहरति अधः। अब इसी प्रकार लंग में श्लेष्मा संचित हो गया उसको निमोनाइटिस कहते हैं। लोबार निमोनाइटिस, पूरा लोब निमोनाइटिस में फिर पूरा भर जाता है, कभी आधा भरता है, कभी थोड़ा सा भरता है। इसमें भी परिणाम क्या होता है, अल्पम च आहरति, डिमिनिश एयर एंट्री, यानी जगह नहीं है, जगह व्याप्ति। इसी प्रकार अन्य कोई व्याधि हुआ, कैंसर हुआ, तो जहां पर कैंसर की गांठ बनी है, जहां पर कैंसर का विस्तार हुआ है, वहां पर उस एरिया में नच प्रत्याहरति अधः। इस प्रकार ये एक संप्राप्ति का नहीं है, ये लक्षण भिन्न भिन्न संप्राप्तियों में हो सकता है। न च प्रत्याहरति, जैसे राजक्षमा में, राजक्षमा मत तो ट्यूबरकुलोसिस में फाइब्रोसिस बन जाता है, न च प्रत्याहरति अधः, उस एरिया में एयर एंट्री कम होती है। इस प्रकार कोई लसिका ग्रंथि गले में बढ़ गई है, एयर एंट्री में प्रॉब्लम आता है, नच प्रत्याहरति अधः। ये गले में बन सकती है, अपोस्टमो में बन सकती है, ब्रोंकस में बन सकती है, परिणाम ये होगा कि अंदर हवा लेने में कम हो कठिनाई होगी। ऐसे भिन्न भिन्न संप्राप्तियों का ये परिणाम है ऊर्ध्व श्वास, सांस अंदर लेना कम लेता है और धीरे 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 दीर्घ श्वास छोड़ता है। ये क्यों हो रहा है कि गंध वह शरीर में, मूत्र वह में, लसिका वह में, रस वह में, रक्त वह में, अथवा मांस वह में दुष्ट हुआ है, और वो उल्टी दिशा में बहते बहते अपने धातु के अंश के साथ आकर प्राण वह में ग्रंथि कर बैठा है। मेदज ग्रंथि, मांसज ग्रंथि, लसिका ग्रंथि, रक्त ग्रंथि बना लिया है, एब्सेस बन गया है, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हो गया है, ब्रोंकाइटिस हो गया है, और ब्रोंको निमोनिया हो गया है, एल्वोलाइटिस हो गया है, फ्लूइड जमा हो गया है श्लेष्मा। इसमें अल्पम च आहरति न च प्रत्याहरति अधः। अब इसमें जब अवस्था बढ़ जाती है तो आदमी पेशेंट आंखें ऊपर लेता है, परिणाम क्यों हुआ, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रहा है ब्रेन में, इसलिए ऊर्ध्व दृष्टि के कॉन्शियस थे।
आंखें चंचल हो जाती है, इतस्ततः विभ्रांतः। अब इसमें रोगी वेदनार्थ यानी इसको कष्ट हो रहा है, वेदना यानी शून्य, यहाँ पर श्वास न लेने के कारण सपोकट हो रहा है। अब इसको कहते हैं वेदना। इससे परिणाम ये होता है कि उसका दिल कहीं लगता ही नहीं, तो उसको कोई किसी विषय में रस नहीं होता है। सेंसेशन होता है लेकिन किसी चीज को सम्यक आकलन कर नहीं सकता। अब कभी कभी इसको जोर से लेने में, बार बार मुंह से लेने में शुष्काश्यता आती है। अब ये अवस्था, ये इसका श्वास, इस अवस्था का नाम है ऊर्ध्व श्वास। अब जब ये ऊर्ध्व श्वास जब बढ़ते जाता है, यानी कलेक्शन बढ़ते जाता है कार्सिनोमा में, सिरोसिस ऑफ लिवर में, सीसीएफ में, रीनल फेलियर में, या अन्य किसी व्याधि में, तो धीरे 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 श्वास अधश्वास यानी अंदर श्वास लेने की प्रक्रिया न्यूनतम बन जाती है। अधश्वासे प्रकुपिते, ऊर्ध्वश्वासे प्रकुपिते, अधश्वासो निरुद्धते। अधश्वास लेना एकदम 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 कम हो जाता है, और इसका परिणाम ये होता है इसमें ऑक्सीजन सप्लाई कम होने से पेशेंट सेमी कॉन्शियस बन जाता है, और ताम्यति का अर्थ अनकॉन्शियस हो जाता है। और इसके बाद रेस्पिरेटरी सेंटर, रेस्पिरेटरी फेल्योर हो जाता है और रोगी मर जाता है। इस प्रकार ये ऊर्ध्व श्वास ये लक्षण है। ये लक्षण किसी भी कारण से प्राणवह में श्लेष्मा, उदक, मांस, मेद आदि के कारण ग्रंथि, शोथ, एब्सेस, विद्रधि, पानी भरना, खून भरना, बस भरना आदि कारण होते हैं, तो धीरे धीरे सांस लेने में दिक्कत आती है और पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में जाता है। व्याधि रीनल फेलियर, डाइड ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर। व्याधि सिरोसिस ऑफ लिवर, डाइड ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर। इस प्रकार ये ऊर्ध्व श्वास ये एक लक्षण है, इसकी निर्मिति भिन्न भिन्न व्याधियों में जिन जो पूरे स्थान में श्लेष्मा संचय, रक्त संचय, पुय संचय, रस संचय, मांसक ग्रंथि अथवा कैंसर, ऐसे व्याधियां निर्माण करता है, तब ये श्वास में लक्षण उत्पन्न होता है जिसमें रोगी नच प्रत्याहरति अधः, अल्प लेता है, अंदर श्वास कम से कम लेता है, और जो छोड़ता है वो धीरे धीरे छोड़ता है। ये उसके लक्षण होते हैं। ये इस प्रकार ये ऊर्ध्व श्वास की कल्पना है। मुझे आशा है मैं समझाने में समर्थ हुआ हूँ, आप समझ गए हैं। और यदि आपको यह
अभी क्लियर नहीं हुआ, ये दोष आपका नहीं है, मैं कम पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं फिर कभी प्रयास करूंगा, मुझे क्या कहना है वो समझाने का, यदि आप नहीं समझे हैं तो इस पे कुछ शंका है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आगे इसके बाद जाऊंगा, या आपका पूरा आकलन होने के बाद में आगे जाऊंगा, तब तक नहीं जाऊंगा। इसमें कोई शंका है? अच्छा, अभी तब तक समझने के लिए आप सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय 6 श्लोक नंबर 26 26 सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय 6 श्लोक नंबर 26, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे से नौ, नाइन्थ लाइन। तत्र शोणित अति प्रवृत्ति वहां से स्तनयोर अधस्तात व्यंगुलम स्तनमूले नाममर्मणि, बीच में है। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10, 10 या 11 भी लाइन। स्तन स्तन मूलाद स्तनयोः हो अधस्तात नीचे से 10वीं लाइन, 10 11वीं, स्तनयो अधस्तात। पृष्ठवंशस्य स्तनयो अधस्तात व्यंगुलम उभयतः स्तनमूले नाम मर्मणि, श्लोक नंबर 26 बराबर है। बराबर है, वो बताया था, बराबर था, कलर किया था वो। हाँ, स्तन मूलाद उभयतः पृष्ठवंशस्य बृहति तत्र शोणित अति प्रवृत्ति निमित्ते ही उपद्रवे नहीं ही नहीं नहीं म्रियत। नहीं एक मिनट एक मिनट, अब उसके 2 लाइन 3 लाइन ऊपर जाओ, और हृदयम नाम तत्र शब्द है, हृदयम नाम है, हृदयम नाम तो सदैव मरणम, उसके नीचे स्तनयोः अधस्तात व्यंगुलम, बीच में है।
स्तनयोः अधस्त इत्यादि उभयतः स्तनयोः हाँ, अधस्तन। स्तन स्तन मूल या ओ, थोड़ा सा एक मिनट हाँ सर, वो शूद्र नहीं क्रमांक 25 की टीका में है। नहीं नहीं 26 में है। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। अर्थ ऊर्ध्व मर्माणि ऊर्ध्व पृष्ठवंशवतः उभय अनुव्याख्या श्यामा वातवतीवसरम अल्पमान शुणितम रोहितम सर। कौन 25 में है क्या? 25 में कर दो, 25 काट दो इस। जी सर, 25 में है। पच्चीस में है कफ सर ये। पूर्ण कोष्ठतया मेरी जी। किताब भी 26 में है। क्या है? हाँ, स्तन रोहित स्तन स्तन मूलम एक। हाँ ये देखिए, हाँ स्तन हाँ स्तनयोः मध्यम अधिष्ठायोः। अधस्तात, हाँ उसके नीचे के लाइन स्तनयोः अधस्तात व्यंगुलम उभयतः स्तनमूले तत्र कफपूर्ण तत्र कोष कोष्ठतया यहाँ। म्रियते। बस यहाँ इसमें दोषों का आघात हुआ, दोष जम गए तो कफपूर्ण होकर आदमी काश श्वास से मरता है। दोष के आघात से आदमी मरते, श्लेष्म पूर्ण कोष्ठतया श्वास काशाभ्याम। अब उसके बाद स्तन चुचुकयोः तन ऊर्ध्वम् चुचुकयो द्व्यंगुलम् उभयतः उद्वम स्तन रोहितो तत्र लोहित पूर्ण कोष्ठतया काश काश काशाभ्याम श्वासाभ्याम च म्रियते। म्रियते। यहाँ कोष्ठ यानी उरस्थान लोहित पूर्ण हो जाता है। अब ये लोहित पूर्ण हो सकता लंग में हो सकता प्लेरा में हो, दोनों हो सकता है, तो म्रियते आगे। अंश कूटयोः अधहतात् पार्श्व उपरि भागयोः अपलापो अपलापो नाम नाम तत्र रक्तेन पूय भावं गतेन मरणं उभयत्र अरसो नाड्यो वातवाहे अप उरसो उरसो उरसो। नाड्यो। हा उरसो उभय अत्र उरसो नाड्यो वातवहे अपस्तंभो नामः तत्र वातपूर्णकोष्ठतया काशश्वासाभ्यां च मरणम्। समझ गए। अब देखो ऊपर का जी पढ़ेंगे। पहले तत्र रक्तेन पूयेन पूय भाव गता मरणम। अंशकूट के नीचे पार्श्व भाग में अपलाप मर्म है, वहां पर रक्तशोथ आकर पूय भाव उत्पन्न होता है और पूय से पूर्ण व्याप्त होकर अल्प श्वास होता है। अब इसके बाद उभयो उभयत्र उरसो नाड्यो वातवहे अपस्तम्भो नाम। और इसमें वायु पूर्ण रूप से भर जाता है तो इसमें व्यक्ति का श्वास से मरता है। यानी इतने कारणों से कोष्ठ पूर्ण होने से न च प्रत्याहरति अधः, श्वास अंदर लेने में कठिनाई होती है और जब यह सांस अंदर लेना कम से कम 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 हो जाता है तब रोगी आंखें घुमा देता है, उसका कॉन्शियसनेस चल धीरे धीरे चला जाता है और धीरे धीरे रेस्पिरेटरी फेलियर में जाता है। ये ऊर्ध्व श्वास की विविध संप्राप्तियां है। इसमें भी अवरोध अभी प्राणवह में है लेकिन इसके पूर्व कहीं न कहीं मूत्र वह में, रस वह में, रक्त वह में, मांस वह में, लसिका वह में व्याधि है, स्थान संचय है, जिसका परिणाम विश्व प्रजन होकर कोष्ठ में दोष आकर व्याधि हो रहा है।
यही अवस्था शिष्य में होती है, यही अवस्था पांडु में होती है, यही अवस्था हाइपोप्रोटोनिक एडिमा में होती है। अतिसार के पश्चात जो शोथ होता है उसमें यही अवस्था होती है। इस प्रकार ये एक श्वास हुआ जिसका नाम ऊर्ध्व श्वास है, जिसमें एक श्वास चलता है छोड़ना और अंत श्वास कम 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 होते जाता है, तब जाकर यह आदमी मर जाता है। ये इसका नाम है ऊर्ध्व श्वास। ये अवस्था रुद्रोग में भी आ सकती है, शिश्नेत में आ सकती है, पेरिकार्डाइटिस में आ सकती है। पेरिकार्डाइटिस में पूज्य श्राव होने से भी ये आ सकती है। ऐसे भिन्न भिन्न कारणों से, ग्रंथियों से आ सकती है। इन सभी कारणों से होने वाला ये ऊर्ध्व श्वास है, जिसमें एयर एंट्री कम से कम होती है या सावरोध होती है। इस प्रकार एक प्रकार श्वास का मैंने आज बताया, शेष कल बताऊंगा। इस पर चिंतन करो, समझ में नहीं आया तो पूछो। पांच श्वास है लेकिन संप्राप्तियां भिन्न भिन्न हो सकती है। जलोदर होता है, तो ये जलोदर में, अन्नवह में, उदकवह में, मूत्रवह में श्रोतोरोध होता है, और ये उदक भी प्राणवह में आकर ऊर्ध्वश्वास कर सकता है। इसका नाम ऊर्ध्वश्वास है। इतना विस्तार हमें अपने शास्त्र का उहन तंत्र युक्ति से करना है। ये एक प्रकार है, लक्षण का प्रकार है। यह लक्षण भिन्न भिन्न संप्राप्तियों में उत्पन्न हो सकता है, ये हमें समझना है। श्रोतोरोध अभिव्यक्ति के समय प्राणवह में है, लेकिन उसके पूर्व कहीं ना कहीं शरीर में सब कहीं ना कहीं धातुओं में अवरोध उत्पन्न हुआ है। उसका परिणाम विश्व प्रजन होकर उल्टी दिशा में आना, विश्व प्रजन होना, और प्राणवह में उन्होंने स्रोतों के द्रव भाव अथवा घन भाव संचित होना, उसके व्याधि निर्माण होना। इसका परिणाम ये भिन्न भिन्न अवस्थाएं उत्पन्न होकर श्वास उत्पन्न होता है। हाँ, रुकते हैं, अगली बार छिन्न श्वास लेंगे। कुछ प्रश्न है? नहीं है तो बंद है, तो पूछो। ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ अपने मन का बता रहा हूं, सुन रहे हो? जी गुरु जी, ऐसा लग रहा है कि मैं अपने मन से बता रहा हूं। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं ये मैंने देखे हैं पेशेंट्स, अभी जी। पायोथोरैक्स, हाइड्रोथोरैक्स, निमोथोरैक्स, सब देखे मैंने और ट्रीट भी किए हैं, तब जाकर मुझे श्वास अध्याय समझ में आया है। और ये हमें सिखाना चाहिए। ये श्वास अध्याय लक्षणों का है, संप्राप्ति भिन्न भिन्न हो सकती है, ये उपद्रव है, ये किसी व्याधि का उपद्रव है, उन्हीं दोषों ने किया हुआ उपद्रव है। चलो बंद करो। जी गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम।